अमृतसर कॉरपोरेशन की ना लायकी है कि इतने हूँ जो कूड़े के डंप बनने चालू हो चुके हैं। साफ सुथरा वातावरण के हवा के सह लैण का मूल अधिकार भी खोलिया। गुरु नगरी अमृतसर देश के चौथे नंबर से सब तो पोल्यूटेड, इत्थे लोकां दा रहना भी दूभर हो गया। इन्नी गंदगी आ ते जिहड़े लोग इत्थों गुजर रहे आ उन्हां अगे साडे शहर दी दिख की जांदी होगी। इस समय अमृतसर के विचों नैशनल हाईवे ते खड़े हां। तुहानूं दस दईए कि नैशनल हाईवे अमृतसर नूं जिथे सिफती दा घर कहा जांदा है उत्थे पहलां तस्वीर सांझी करदे आ। तुसीं आ देख पा रहे हो कि नैशनल हाईवे दे बिल्कुल नाल लगदे तुसीं देख पा रहे हो कि कूड़े दा जिहड़ा डंप है वह बना दिता गया। क्योंकि अमृतसर की गल करिए तां अमृतसर दे भगतां वाले कूड़े दा डंप सब नालों वड्डा डंप मन्निया जांदा, मगर हुण देख पा रहे हां कि अमृतसर दे विच थां थां ते जिहड़े कूड़े दे डंप है उत्थे देखण नूं मिल रहे ने। इह जिहड़ा डंप है अमृतसर दे नैशनल हाईवे ते जिथे कि वाघा बार्डर नूं रोज़ लखां दी तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਮੰਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਵਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਵਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਮਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। देखो तुसी संखेप शब्दों बहुत कुछ बयान कर दिता है। अज अमृतसर की एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसीपल कारपोरेशन अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने तो साडा साफ सुथरा वातावरण के हवा के सह लैण का मूल अधिकार भी खोलिया। तुसी आप देख लिया कि गुरु नगरी अमृतसर देश के चौथे नंबर से सब तो पोल्यूटड और पंजाब पहले नंबर से पोल्यूटड शहर घोषित होया सी। इहदा ठीकरा सिर्फ दिवाली ते तोड़िया गया, इहदा ठीकरा सिर्फ किसानां दी पराली सड़न दे उत्ते तोड़िया गया, पर जे तुसी अदे असल हकायक देख लो अमृतसर गुरु नगरी दे विच हर जगह कूड़े दे भंडार, हर जगह गारबेज डंप्स इकट्ठे हो गए आ। अज असीं खड़े हाँ रणजीत एवन्यू पॉश एरिया दे बैकसाइड, रोड लगती है नैशनल हाईवे आ, ग्रैंड ट्रंक रोड है, जी टी रोड है, जिहदा रस्ता वाघा बॉर्डर नूं भी जांदा, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं भी जांदा आ, और इत्थों लखां दी तादाद टूरिस्ट आउंदे आ रीट्रीट सैरेमनी तक देखदे आ। जे उन्हां दे सड़क दे बिल्कुल कॉर्नर दे उपर जिथों वी वी आई पी मूवमेंट भी हुंदी आ, वी वी आई पी रोड होवे ते उत्थे कूड़े दे डंप बना दिते जाण तां की साडे शहर दी दिख देशो दुनिया दे विच जारी होगी? इन्नी माड़ी कारकर्दगी, इन्नी माड़ी परफॉर्मेंस म्यूनसीपल कारपोरेशन दी और गारबेज हैंडलिंग कंपनी दी, जिहड़े कि अजे तक भगतां वाला डंप दा मुद्दा भी नहीं सुलझा सके सी। इहो ही कारण होया कि पंजाब दे विच लोकल बॉडी सिस्टम नूं 1,026 करोड़ रुपए जुर्माना होया, ते उस तो बाद भगतां वाला डंप ते भी करीब 4 करोड़ दे जुर्माना होया, और जगह जगह दे उत्ते डंप्स लाउण दे नाल गारबेज नूं जलाउण दे नाल अग लाउण दे नाल इन्नी ज़्यादा पोल्यूटड हवा हो गई आ। तां ही गुरु नगरी अमृतसर दा एयर क्वालिटी इंडैक्स 350 ते पहुँच गया। जिथे असी खड़े हाँ ओपोजिट तुंगढाप ड्रेन है, उतों भी जहरीली गैसा निकलदियाँ, बिल्कुल सामने वो एडा वड्डा गारबेज डंप जिहड़ा किलोमीटर्स दे विच बनाता, उत्थे भी जहरीली गैसा निकलदियाँ, रात नूं विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, वड्डी तादाद च एक्सीडेंट्स हो रहे। इत्थे लोकां दा रहना भी दूभर हो गया। पास ही बिल्कुल कोल ही इहदे रिहायशी एरिया भी आ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आ, सामने देश दा एक झंडा लगा आ, उस झंडे दे बिल्कुल थले 3 कॉर्नर्स दे उपर गारबेज डंप बनाया गया, जिहड़ा सीधा सीधा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफ अमृतसर दी लैंड दे उपर बनाया गया, पर चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट उन्हूं रिमूव कराने के असफल हो गया। लगता उन्हां दी कोई गल ही नहीं सुनता। मेरा ख्याल है कि उन्हां नूं रिजाइन ही कर देना चाहिए अपनी कुर्सी के उपरों। जे उन्हां दी कोई गल ही किसी ने नहीं सुननी तो फिर इदां दे पौधे उत्ते रह के करना भी की है? तुसीं आप समझ लो कि कंपनी दी इन्नी वड्डी हमाकत है, इन्नी दलेरी है कि वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की लैंड के उपर कूड़ा सुट रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तंग कर रही है, और म्यूनसीपल कारपोरेशन अमृतसर और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर मूक दर्शन दर्शक बन के देख रहा। तुसी आप सोचो कि साडा इत्थे बोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा, सानू सह लैण च भी दिक्कत आ रही है, इन्नी गंदगी है, ते जिहड़े लोग इत्थों गुजर रहे उन्हां अगे साडे शहर की दिख की जाती होगी? जी बिल्कुल पवन जी, एक बन्ने देख रहे हैं टुंगटाप ड्रेन है जिसके जहरीलियां गैसा निकलदियां ने, एक बन्ने कूड़े का डंप बनाया जा रहा। पास ही रणजीत एवन्यू एरिया जिसनों पोर्श एरिया कहा जाता, मगर उत्थे भी हुण जिहड़ा कूड़े के डंप दिखाई देण लग पए ने। आने वाले समय के बीमारियों का जिहड़ा घर भी बन सकता। कि लगता नहीं अमृतसर की कारपोरेशन इस सिस्टम के फिर एक जिन्होंने कहते फिक्स नहीं बैठ रही? बिल्कुल ठीक है, यही ही कारण है कि अज छोटे बच्चे जिन्हों के लंग्स ग्रोइंग स्टेज है वो ज़्यादा हॉस्पिटलाइज ने, बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज ने,
जिन्हां नूं साह दे रोग आ उह लोक इस वेले हस्पतालां दे विच दाखल ने, हस्पताल भरे पए ने, लोकां नूं कमरे या बैड्स नहीं मिल रहे। तुसीं आप देख लो कि अज अमृतसर दे विच कारसिनोजेनिक रोग, कैंसर वर्गे भयानक रोगों की बैल्ट बनती जा रही है। अज अमृतसर दे विच जिहड़ा आउंदा उहनूं आईरीटेशन आ, स्किन एलर्जी आ, स्किन डिजीज़ आ, उहनां नूं फेफड़िआं दे रोग हो रहे आ। तो इन्नी मुशक्कत अजे सानू इत्थे 2 मिनट खड़े होए बोलन ते हो रही आ, ते जिहड़े लोग इहदे सराउंडिंग्स च रहिंदे होणगे उहनां दे शरीर दा की हाल हुंदा होऊगा, तुसीं इस गल तों अंदाजा लगा लो कि अज गुरु नगरी अमृतसर नूं नरक बना के रख दिता आ। लोग फिर इस आने वाले समय दे विच इत्थों पलायन करदे जाणगे, छड्डदे जाणगे। इस नगरी दे विच कोई पौश इलाका अज पौश नहीं रह गया, हर पासे गंदगी का भंडार ढेर है। इहदे लई सरासर म्युनिसिपल कारपोरेशन अमृतसर जिम्मेवार है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफ अमृतसर जिम्मेवार है, जिहड़े इस चीज़ नूं कैपेबिलिटी दे नाल हैंडल ही नहीं कर सके, और जिहड़ी कंपनी आ उहनूं भी दिलेरी दे नाल उहदे टेंडर तक कैंसल नहीं कर सके। इन्हां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दी लत्तां दे विच, उहनां दे फेफड़िआं च इन्नी भी जान है नहीं कि उह कंपनी नूं कोई ताड़ना कर देण। हज़ारां करोड़ रुपया जुर्माना लगे, कारपोरेशन लोकल बॉडी सिस्टम नूं शर्मिंदगी झलनी पवे, पर उस तों बावजूद भी अज अमृतसर थां थां कूड़े लगे होण, थां थां कूड़े नूं अग लाई जा रही होवे, अमृतसर सब तों नंबर 1 प्रदूषित शहर हो जाए, ये देख के साडे मन नूं तां बड़ी दुख पहुँचदा और शर्मिंदगी नादामद महसूस हुंदी है। पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन नूं, चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नूं, म्युनिसिपल कारपोरेशन कमिश्नर नूं, DC अमृतसर नूं शर्मिंदगी हुंदी है कि नहीं, ये तो वो ही दस सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं साझे कीतीआं ने, गलबात भी की ने समाज सेवी पवन शर्मा जी ने गलबात की है, ये तस्वीरां अमृतसर के विचों विच नैशनल हाईवे हाईवे दीआं तस्वीरां ने, जिथे कि तुसीं कूड़े दा डंप देख पा रहे हो, क्योंकि अमृतसर शहर के भक्तां वाला कूड़े दा डंप जिसनों NGT वालों 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, मगर उस तो बाद कोई भी जिहड़े हल है पुख्ता नहीं किए गए कारपोरेशन वालों। हुण नवा जिहड़ा डंप उभर के सामने आ रहा, अमृतसर के पोश एरिया रणजीत एवन्यू के बिल्कुल नेड़े उभर के आ रहा, जिथे कि तुसीं कूड़े दे डंप दीआं तस्वीरां देखियां ने। जानकारी पवन शर्मा जी ने दी है कि इस अमृतसर शहर जो कि पंजाब भर के सबना पल्यूटड एरिया जो कि अमृतसर नूं दस्सिया गया, तो कोई चंगी गल नहीं है, माड़ी गल है। तो हुण देखना यह होगा कि कारपोरेशन वालों की पुख्ता इंतजाम है इस कूड़े के डंप के किए जाते हैं। कैमरामैन मनोज दे नाल मैं मानव दस, समर न्यूज़ अमृतसर।